गुड मॉर्निंग, दिस इज प्रीति कौशिक और आज हमने करना है ऑडिटिंग के अंदर हमारे लास्ट टॉपिक है वैल्यूएशन का। ये हमारे लास्ट टॉपिक है, ऑडिटर इज नॉट अ वैल्यूअर और वैल्यूएशन एंड ऑडिटर। कहता है जैसे हम जाहिर से बात हम वैल्यूएशन कर रहे हैं और वैल्यूएशन किसका पार्ट है हमारी, यानी ऑडिटिंग के अंदर आया, तो ऑडिटिंग के अंदर हमने करना वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि वैल्यूएशन होता क्या है, और आज हमें स्टडी करना है कि जो ऑडिटर है ना, उस ऑडिटर का क्या रोल होता है जो वैल्यूएशन की टेक्निक की जा रही है। आप सबको पता है कि वैल्यूएशन जो होते हैं एक्सपर्ट्स के थ्रू की जाती है, मैनेजमेंट लोग करते हैं, मैनेजर्स करते हैं, या फिर हम कहें कि एक्सपर्ट्स के थ्रू की जाती है वैल्यूएशन, ठीक है। यानी ये नहीं होता कि जो वैल्यूएशन का काम है वो कौन करेगा, ऑडिटर करेगा, ऐसा नहीं होता। तो कहते हैं कि जो ऑडिटर है वो एक वैल्यूअर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या फिर हम ये कहें कि ऑडिटर को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब वैल्यूएशन की जा रही है या वैल्यूएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो ऑडिटर को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है और कैसे चेकिंग करनी है, तो वो आज हमने स्टडी करना। तो कहता है स्टार्टिंग में इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। ये जाहिर सी बात है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वैल्यूएशन करना, टू वैल्यू द एसेट्स, ही मेयरली एग्जामाइन, वो केवल एग्जामाइन करेगा द ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ द वैल्यूज एस्टिमेटेड बाय द मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट ने जो वैल्यूज एस्टिमेट की है उनकी ट्रूथफुलनेस को चेक करने के लिए ऑडिटर काम करेगा, या फिर उनकी फेयरनेस को चेक करने के लिए क्या करता है ऑडिटर काम करता है। ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो वैल्यूएशन भी करेगा, ठीक है। तो कहता है कि ऑडिटर को कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए तब वैल्यूएशन हो रही हो या वैल्यूएशन कंप्लीट हो चुकी हो। तो सबसे पहली बात है टू हैव नॉलेज ऑफ द प्रॉपर्टी। कहता है कि जो ऑडिटर है उसे प्रॉपर्टी की नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर्टी इन द सेंस यानी कि कोई भी एसेट जो रिकॉर्ड हो रखा है वो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रखा है, या फिर जो एसेट है, जो प्रॉपर्टी है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि ओरिजिन क्या है उस एसेट का, यानी कब वो परचेज किया गया, किस अमाउंट पे परचेज किया गया, स्पैन ऑफ टाइम क्या, यानी कितनी उसकी लाइफ स्पैन है, कितने साल तक वो चलने वाला एसेट है, देन उसका मार्केट प्राइस क्या है, एंड एक्सपेंसेस जो उस पे इनकर हुए उनके बारे में ऑडिटर को जो है नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड बात कहता है टू चेक द जस्टिफिकेशन ऑफ द वैल्यूएशन। जो वैल्यूएशन की गई है उसके जस्टिफिकेशन को चेक करेगा, उसकी ट्रूथफुलनेस को चेक करेगा कौन, ऑडिटर। ऑडिटर वैल्यूएशन नहीं करेगा, लेकिन ऑडिटर ये बात तो जस्टिफाई करेगा ना कि जो चीजें रिकॉर्ड की गई है वो करेक्ट है या फिर नहीं है, तो ठीक है, ट्रूथफुलनेस एंड जस्टिफिकेशन करेगा ऑडिटर। थर्ड पॉइंट में कहता है टू फॉलो द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन। जो ऑडिटर है वो सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो होंगे वैल्यूएशन के टाइम में लगे गए हैं उनको फॉलो करते हुए चलना चाहिए। यानी ऑडिटर की ये ड्यूटी है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसको पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और ये फॉलो करने चाहिए, तो वो चेक करेगा जो भी वैल्यूअर था, जो एक्सपर्ट था या मैनेजमेंट था, उसने वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए या नहीं किए, यानी सेम प्रिंसिपल्स पे रह के काम किया है या फिर नहीं किया। या फिर हम अगली बात देखें कि यहाँ पे था हमारा लीगल इंटैक्टमेंट्स, यानी कि कोई लीगली कोई काम करना था या प्रोविजन के अंदर मेंशन है कि ये काम आपको इसी तरीके से करना है, तो क्या वो काम उसी तरीके से किया गया है या फिर नहीं किया गया, तो ऑडिटर को इस बात को ध्यान में रखते हुए चेकिंग करनी है, ठीक है। यानी वैल्यूएशन तो करना नहीं उसे, लेकिन ये सारे काम बातों को ध्यान में रखते हुए अपना काम तो करना है ना, यानी उसे देखना ट्रूथफुलनेस क्या है एसेट की, उसे देखना कि जो प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने पहले बना रखे हैं, यानी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने वो फॉलो किए हैं या फिर नहीं किए। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टू कंसल्ट वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स। अब वो खुद तो वैल्यूअर है नहीं, खुद एक्सपर्ट भी नहीं है जो ऑडिटर को पता होगा कि कैसे मैं इनकी वैल्यूएशन करूं, तो एक्सपर्ट्स की वो हेल्प लेगा, ठीक है। यानी एक्सपर्ट्स से पूछेगा कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन वाले अपने एसेट को इस प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या वो सही तरीके से कर रहे हैं, यानी वो क्या किसके हेल्प ले सकता है, एक्सपर्ट्स के हेल्प लेगा, कंसल्ट करेगा एक्सपर्ट से। नेक्स्ट पॉइंट टू गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स। अगेन बात आ गई, अब वो खुद वैल्यूएशन कर नहीं सकता लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को तो पकड़ सकता है, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से तो पूछताछ कर सकता है ना कि आप रिस्पॉन्सिबल हो इस बात के लिए। अब आप एक बार उसके सिग्नेचर ले लिए उसने किसी बात को सच और झूठ प्रूव करने के लिए, तो फिर उसके हेडेक कम हो जाते हैं, यानी वो सीधा डायरेक्ट कहेगा कि मेरे पास प्रूफ है, मैंने जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर था, जो कंसर्न ऑफिसर था, मेरे पास उसके साइन है एज अ प्रूफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो कहते हैं कि उनके सर्टिफिकेट ले लेने चाहिए रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल से, कि यानी कोई भी बात सर्टिफाई करनी है, कोई भी बात ऑडिटर को कुछ डाउट लग रहा है तो पहले सर्टिफिकेट ले ले जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है उनसे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टू मेंशन सीक्रेट रिजर्व इन हिज रिपोर्ट्स। कहता है जो सीक्रेट रिजर्व होता है ना 1956 कंपनीज एक्ट के अंदर, वो इलीगल है। तो कहते हैं कि सीक्रेट रिजर्व आप क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट कर सकते हो लेकिन क्या है वो इलीगल है। कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, एक्सेप्शनल को अगर आप छोड़ दो तो इलीगल है सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करना। तो कहता है ऑडिटर को पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीक्रेट रिजर्व है, यानी कि अगर लाइबिलिटीज ओवर वैल्यू कर रखी है, एसेट्स अंडर वैल्यू कर रखी है, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रखा है,
जो ऑडिटर है अपनी रिपोर्ट में सीक्रेट रिजर्व की पूरी डिटेल मेंशन करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है टू मेंशन डाउट्स इन रिपोर्ट। कहता है अगर उसे कोई भी डाउट लगता है रिपोर्ट जब वो प्रिपेयर कर रहा उस टाइम उसे कुछ की बातों पे पर शक है तो ऑडिटर उन बातों को अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा ताकि बाद में ये सारी बातें क्लैरिफाई हो सके और बाद में मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठा सके या ये ना कह सके कि ऑडिटर आप रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, तो पहले से वो सारी क्लैरिफिकेशन रखेगा। एंड लास्ट पॉइंट आता है डिसीजन ऑफ जजेस। कहता है कि कुछ जजेस ने डिसीजन ले रखे हैं पहले जो पास्ट में कोई केसेस हुए तो उनके बेस पे डिसीजन ले रखे हैं जज ने, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए ऑडिटर अपना काम करेगा। जैसे कि कुछ जज थे कि ऑडिटर का काम होता है कि वैल्यूएशन नहीं करेगा वो स्टॉक एंड इन्वेंटरी की, ठीक है, तो कहता है बाद में जैसे कुछ कोर्ट में केस जाता है तो फिर उसका नाम आ जाता है कि ऑडिटर को ही वैल्यूएशन करनी थी, तो जो जजेस होते हैं उनका डिसीजन लिया जाता है कि नहीं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो वैल्यूएशन करेगा और किसकी वैल्यूएशन करेगा एसेट्स की, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि वो ट्रूथफुलनेस एंड जस्टिफिकेशन देगा, ट्रूथफुलनेस को चेक करेगा। तो हम लास्ट में ये बात कह सकते हैं कि ऑडिटर जो है वो वैल्यूअर नहीं है लेकिन उसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारे पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करे ताकि बाद में उसका कहीं नाम ना आए। वैसे अगर हम देखें तो जो ऑडिटर है वो हमारा वैल्यूअर नहीं होता, उसका केवल यही काम होता है कि वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर अपना ऑडिट कंप्लीट कर देता तो उसकी फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ठीक है, आज हमने स्टडी किया कि एन ऑडिटर इज नॉट एन वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन एंड ऑडिटर। होप यू लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।